एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, ये पंजाब बोर्ड द्वारा रिलीज है और सितंबर 2022 के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का आएगा। तो आपको टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी, 3 आवर्स की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए जो है उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा जो उसमें आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 16 MCQ पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 8 ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में 8 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के, यानी कि पार्ट ए जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन वाले हैं। पार्ट बी जो है इसमें आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पार्ट सी है उसमें आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किसी 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। और पार्ट डी वाले क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और इन सभी क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो है वो कुछ इस तरीके का है। आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, खुद सॉल्व करके देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लास्ट में इसको आपको सॉल्यूशन जो है वो भी करके दिखाया गया है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। ठीक है, तो आइए अब इसके सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द अननोन नंबर इन द गिवन नंबर ट्री। ये एक आपको नंबर ट्री दिया गया है, इसमें यहाँ पर जो है वो क्या नंबर आएगा। तो देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने फिर चेक करना है तो 5 4 जो कितना हो जाएगा, 20। तो 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस बनाया, ये हमने वाई एक्सिस बनाया। एक्स एक्सिस पर एक्स इज इक्वल टू ए है तो हमने जो है वो ए लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, और वाई जो है वो बी के इक्वल है, ये हमने बी लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टेड ए और बी। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी इज अ प्राइम नंबर, अगर पी जो है वो एक प्राइम नंबर है और वो के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी जो है वो और किसको डिवाइड करेगा, तो पी जो है वो के को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x² + 4x + 6 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ इट जीरो। तो बच्चों सम का क्या फॉर्मूला होता है, सम हम लोग निकालते हैं -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है b कितना है, b ये वाला है। ठीक है, तो हमारा b जो हो गया वो हो गया आपका -4। ठीक है, माइनस का साइन तो लगा ही हुआ है इसके साथ पर वो प्लस का है तो ये -4 हो गया और a है हमारा 2। ठीक है, तो जब 2 2 4 कटिंग करोगे तो आंसर क्या आ गया आपका, -2। तो ये करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द गिवन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। ये आपको ग्राफ दिया गया है, इसमें जो है कितने जीरोस हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 0 2 0, यहाँ पे 3 0 और ये जो हो गया ये 4 0, तो टोटल 4 जीरोस हैं। रियल नंबर ए इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक रियल नंबर है ए, उसको जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाता है, fx पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाता है अगर अगर जो a है वो भी जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज 0 एंड 3x + 4y इज 20। यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये 3x + 4y इज 20 की है और ये वाली जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 की। तो ये जो पॉइंट है ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये देखो ये 4 पे जा रहा है और यहाँ से ये किस पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है। ठीक है, तो आपको पहले x एक्सिस लेना है यानी कि 4 और ये 2, तो जो q 4 और 2 है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन ax² + bx + c इज 0 हैज द सेम इक्वल रूट्स। अगर इनके सेम है और इक्वल रूट्स है, ठीक है, तो कब होगा इस तरीके का सिचुएशन, जब जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी जो d है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है इसका। तो बच्चों d कैसे निकाला जाता है, d का फॉर्मूला होता है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास क्या है, बी स्क्वेयर, देखो b जो है वो क्या है, -4 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -4 का स्क्वेयर ले लिया और यहाँ पे माइनस कर दिया 4, a है हमारा यहाँ पे 2 और c है 3।
ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 और 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास नंबर आया 24, माइनस का 24, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और माइनस 4 का स्क्वायर है तो ये वो भी 16 ही होगा, 16 और 24 इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आएगा -8, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड आउट करें। तो डी कैसे फाइंड आउट किया जाता है बच्चों, डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो भी हमारा नेक्स्ट नंबर है उसमें से पहला नंबर जो है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये 0 है, 0 में से 2 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा -2, तो वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट विल इफ पी ए रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अगर ये जो है वो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है इवेंट ए की, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 जो है सबसे लो, मतलब कि कह सकते हो मिनिमम नंबर होता है जिसपे वो जा सकता है, और 1 मैक्सिमम नंबर होता है जिस तक वो जा सकता है, तो 0 से 1 के बीच का नंबर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल वी गेट इफ वी डिवाइड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अगर हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा हमें बच्चों, ये मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मीन हो जाएगा, श्योर इवेंट यानी कि जो भी हम कर रहे हैं वो पक्का ही पक्का होना है, प्रोबेबिलिटी उसकी बतानी है, ठीक है। तो 1 पे जो है वो कंफर्म होता है कि वो होगा ही। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो, 10 क्रिकेट मैचेस हुए हैं उसमें एक बॉलर ने इतने जो है वो विकेट्स लिए हैं, तो उसका मोड पता करना है। मोड हम कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट होता है वो मोड होता है, तो यहाँ पर जो है वो 2 देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है इसलिए 2 जो है वो मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बाय स्टडिंग द गिवन फिगर, आपको ये फिगर दी गई है आपने इसको पढ़ के जो है बताना है कि एंगल पी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, या एंगल पी एंगल बी के इक्वल है, या एंगल पी एंगल सी के इक्वल। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो पी क्यू है ये 12 है और ये बी सी जो है वो 6 है, ठीक है। तो हाफ हो गया उसका, यहाँ पर 6√3 का हाफ जो है वो 3√3 हो जाएगा, यानी जो पी आर है वो ए सी के इक्वल है, और जो ये वाली है आर क्यू है, ठीक है, वो हमारी जो है वो इस लाइन के इक्वल है, ठीक है। तो अब एंगल पी जो है वो किस किस के बीच में पड़ रहा है, फर्स्ट और सेकंड ये वाली लाइन के बीच में, और ये भी फर्स्ट और सेकंड है, तो ये एंगल पी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम इज अ राइट ट्राइंगल, इसमें से कौन सा जो है वो राइट ट्राइंगल है। तो कैसे पता करते हैं, आपको बच्चों पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पता है, ठीक है, कि राइट ट्राइंगल जो है उसका फॉर्मूला होता है h² = p², ठीक है, प्लस में b², ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है वो सबसे छोटी साइड जो है उसको लेकर जो है सबसे पहले हमने करना है, ठीक है। तो मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, मैं एक बार आपको जो है वो इसको क्लियर कर देती हूँ कि क्यों आंसर इसका कौन सा है। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक हम उसको बेस मान लेते हैं, 30 का स्क्वायर प्लस में बेस है हमारा 16 का स्क्वायर, ठीक है। और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 34 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 34 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 1156, ठीक है। और वहीं पर 30 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 900, और ये हो गया हमारा 900। इसके बाद 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, वो होता है 256। तो अब 900 और 256 को जब आप प्लस करोगे तो वो भी जो है वो 1156 के इक्वल आएगा, यानी दोनों साइड इक्वल है, तो ये ही जो है वो एक राइट ट्राइंगल जो है वो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रू फॉल्स, इसमें बोला गया है कि एक प्राइम नंबर के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि एक प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर 1 और एक वो खुद, ठीक है। 22/7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो ये गलत है, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, इफ अ पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन देयर लाइंस विल बी पैरेलल, अगर कोई इक्वेशन आपको इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो जो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल होगी, तो ऐसा ही होता है, ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x³ + 2x² = 5, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, 3 है, तो ये गलत है, ठीक है। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो सभी सिमिलर हैं, तो ये सही है, ठीक है।
द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल है उनका एरिया का जो रेशियो है ठीक है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, तो ये भी सही है, ये एक थ्योरम है ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, अगर आपने जो प्रोबेबिलिटी इवेंट ई है, जो पॉसिबिलिटी है आ सकता है और जो पॉसिबिलिटी है नहीं आ सकता, उन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो वो जीरो के इक्वल होगा, तो ये गलत है, वो वन के इक्वल होता है ठीक है। नेक्स्ट है जो थ्री मीडियन है इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन होता है, तो ये फॉर्मूला है और ये बिल्कुल सही है ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, दो कोई भी प्राइम नंबर ले लो ठीक है, तो हमने प्राइम नंबर ले लिया टू और थ्री, इनका एचसीएफ जो है वो क्या होगा, इसका फैक्टर एक हो सकता है, एक वन होगा और दूसरा क्या होगा टू है ना, और इस वाले का क्या होगा फैक्टर, एक वन होगा और एक थ्री होगा, तो कॉमन फैक्टर क्या है वन, और वही फिर एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वही है, तो आंसर वन आ गया। नेक्स्ट है इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देन सी ओवर ए, तो सी अपॉन ए जो है वो किसके इक्वल होता है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल होता है ठीक है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है उसके। नेक्स्ट है इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, अगर जो आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो वो कंसिस्टेंट है, तो जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, वो को इनसाइड होगा या इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काट भी सकता है या बिल्कुल उसी के ऊपर जो है वो दूसरी लाइन जो है वो चली जाएगी ठीक है। नेक्स्ट है द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव इज जीरो, इसके रूट जो है वो किस तरीके के होंगे, तो उसके लिए हमें जो है वो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा ठीक है। तो हम जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है, माइनस फोर ए सी, तो यहाँ पर जो है बी क्या है हमारा, बी है यहाँ पर हमारा टू ठीक है, तो टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है हमारा वन और सी कितना है माइनस फाइव ठीक है, वन और माइनस फाइव, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, फोर वन जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, और ये प्लस का साइन हो गया ठीक है, और ये यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर हो गया, यानी कि ट्वेंटी फोर बन गया, यानी कि डी जो है वो हमारा जीरो से बड़ा हो गया, और जब डी जो है वो जीरो से बड़ा होता है उस केस में जो रूट्स बनते हैं वो रियल और अनइक्वल बनते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टेंथ टर्म ऑफ एपी, इसका जो टेंथ टर्म है वो कितना होगा ठीक है, उसके लिए हमने सबसे पहले किया, हमें पता है कि ए हमारा कितना है, ए हमारा जो है वो फाइव है ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा जो डिफरेंस है, एट और फाइव को माइनस कर दोगे तो डिफरेंस जो है वो हमारा कितना आ गया, थ्री आ गया ठीक है, और हमें कितना टेंथ टर्म बोला है, तो टेंथ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टेन इज इक्वल टू ए प्लस नाइन डी हो सकता है, ए प्लस नाइन डी ठीक है, तो ए जो है वो हमने कितना लिया था फाइव प्लस नाइन, और डी जो है वो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो कितना हो गया, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव जो है वो थर्टी टू आ गया, तो थर्टी टू पे थर्टी टू इसका आंसर हो गया। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सारे क्या है, सिमिलर है, एक जैसे हैं। रेंज इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को किससे मतलब कि नहीं नापा जा सकता, नहीं किया जा सकता रेंज के थ्रू। इफ अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, अगर एक क्वाइन को एक बार उछाला जाता है तो कितने प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा, तो दो ही चीजें आ सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और एक सिक्के में एक ही जो है वो आप कह सकते हो टेल होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, वन बाय टू ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट बी, पार्ट बी में टोटल एट क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको जो है एचसीएफ गिवन है 306 और 657 का 9 है, एलसीएम जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो और जो दो नंबर है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो ठीक है। तो एलसीएम मुझे पता नहीं है, मैंने एलसीएम लिख दिया, एचसीएफ की जगह पर मैंने 9 लिख दिया क्योंकि वो मुझे गिवन है ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 376 और 657 को मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर मैंने 9 और 306 की कटिंग कर दी है, तो 9 को 34 से मल्टीप्लाई करने पर 306 आता है, तो यहाँ पे 34 आ गया, 34 को 657 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 22,338।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बताना है, जिसका सम जो है वो 4 है और जिसका जो प्रोडक्ट है वो 1 है। ठीक है, तो बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जो दो जीरोस है दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, तो वो 4 आ रहा है आपका। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, दोनों जो जीरोस है उनको जो है वो मल्टीप्लाई करके जो है वो 1 आ रहा है। तो इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर होता है, फिर यहाँ पे सम ऑफ जीरोस होता है, ठीक है, एक्स के साथ, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, ठीक है, यानी जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो एक्स स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा, 4 है, 4 के साथ एक्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अल्फा बीटा जो है वो मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो ये हमारा जो है वो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपको जो है वो HCF निकालने के लिए बोला गया है 672 और 120 का, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चों इस तरीके से निकाला जाता है, पहले यहाँ पे हमने 6 लिखा है, ठीक है, अभी किसका फैक्टर होगा 2, 2 3 जा 6, तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए 2 और 3, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से आप 72 जो है उसका भी फैक्टर निकाल लोगे, तो 72 का जब आपने फैक्टर निकाला तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से करेंगे हम, ठीक है, तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, यहाँ पे 36 आ गया। फिर यहाँ पे आपने 2 से किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 2 से किया तो हो जाएगा 2 9 जा 18, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 3 3 जा 9 जो है वो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे यानी कि 3 आ गया और ये भी 3 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया और ये 1 आ गया। तो आप जब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो ये आप सॉल्व करके दिखा देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये आपने सारे जो है वो नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, और इसी तरीके से आप 120 के फैक्टर्स भी निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पे 2 एक ही है, ठीक है, तो हमने एक जो है वो कॉमन निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे 3 एक है तो यहाँ से 3 भी एक कॉमन निकाले, तो हमारे पास क्या नंबर बचा 2 और 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आपने जीरोस फाइंड आउट करने हैं, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, और उसके बाद आपने जीरोस और उसके जो कोएफिशिएंट है उसमें जो है वो रिलेशनशिप जो है वो भी बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हमने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और यहाँ पे आ गया आपका माइनस 8। तो बच्चों देखो क्या करते हैं हम लोग, ये वाला जो टर्म है और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर जो है ये हमारा जो सेकंड टर्म है, ठीक है, वो बनना चाहिए। तो हमने कर दिया 4x और दूसरा कर दिया हमने 2x, मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बट हमें जो है वो 8x कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए 8x स्क्वायर, और जो सॉल्व किया है वो भी माइनस में आंसर चाहिए, तो यहाँ पे हमने बड़े के आगे माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट बन गया वो इस तरीके का बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से जो है वो हमने कॉमन निकाल दिया, क्या कॉमन निकलेगा x, यहाँ पे बच गया x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा 2, यहाँ पे बच गया x माइनस 4। बच्चों जब ये दोनों सेम हो जाता है ना तो हमारा आंसर मतलब ठीक चल रहा है, ठीक है। तो x माइनस 4 जो सेम आ गया उसको एक साथ लिख दिया, और जो बाहर है ब्रैकेट के उन नंबर्स को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x जब मतलब जो माइनस 4 जो है वो 0 के दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 बन गया। इसी तरह से प्लस 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो बन जाएगा माइनस 2। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो अल्फा है यानी पहला 0 है वो 4 है और दूसरा 0 माइनस 2 है, ठीक है। अब इनका रिलेशन जो है वो बता देते हैं। सम ऑफ जीरोस बच्चे क्या होता है इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा और उसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस 2, ठीक है, तो माइनस 2 रखा उसके आगे ये वाला माइनस आ गया, डिवाइड कर दिया इसे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, तो एक्स स्क्वायर का तो कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो 1 होता है वो, ठीक है, तो 1 से डिवाइड कर दिया। सम ऑफ जीरोस है यानी कि 4 प्लस में माइनस 2 ऐसे कुछ लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो जब आपने इसे प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, इस वजह से मैंने यहाँ पे 4 माइनस 2 लिखा है, ठीक है, तो 4 माइनस 2 भी 2 होता है, इसको जब डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा, तो दोनों सेम है, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म, यानी जो सी बोलते हैं आप लोग लास्ट टर्म है उसको डिवाइड कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, ठीक है। देखो दोनों को ही हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, बट सम वाले में एक्स की का कोएफिशिएंट आता है और जो प्रोडक्ट होता है उसमें कॉन्स्टेंट टर्म का आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 × -2, और यहाँ पर हमने क्या किया कि कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या है -8, उसको डिवाइड कर दिया हमने 1 से, ठीक है, ये देखो -8 है, उसको 1 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर जो है वो हमारा -8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। इसमें आपको जो है वो दो पेयर दिए गए हैं, यानी कि इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं, उसको आपने सॉल्व करना है, किसी भी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, इस वाले नंबर को से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो +2y जो है वो उधर चला गया, तो -2y हो जाएगा, और ये मेरा इक्वेशन थर्ड बन गया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू जो है वो मैं पुट कर दूंगी, 7 3 − 2y − 15y = 2, तो यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 हो गया, इसी तरीके से 7 को −2y से किया तो −14y हो गया, −15y = 2, ठीक है। अब ये 21 आ गया, −14y − 15y को जब आपने माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया −29y, और यहाँ पर आ गया 2, तो इस 21 को हम दूसरी साइड लेकर गए तो ये माइनस का हो जाएगा, 21 में से 2 माइनस किया तो 19 आ जाएगा, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी −29y है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 29 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 19/29 आ गया। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, y की वैल्यू हमें पता चल गई है, अब आपने ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, यानी यहाँ पर जो है वो y की वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो हमने वही कर दिया, 3 − 2, और यहाँ पे 19/29 लिख दिया, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 38/29, अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, एलसीएम लोगे 29 आ गया। अब 1 में तो हमने 29 मल्टीप्लाई किया ताकि 29 आ जाए, तो 3 को भी 29 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जब 29 से मल्टीप्लाई किया तो 87 आ गया, और इसके नीचे तो ऑलरेडी 29 है, तो ये नंबर सेम उतर जाएगा, ठीक है। तो 87 में से 38 माइनस किया तो 49 आ गया, और ये 29 जो है इसका डिनोमिनेटर हो गया, तो हमें x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो गई, 49/29, और y की वैल्यू हो गई 19/29। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और इसमें जो है वो आपको बोला गया है कि जो रेशियो है, जो मतलब की रेशियो में कंपेयर करना है आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2, फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है तो ये बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जो 5 है हम इसको दूसरी साइड लेके आ गए तो वो −5 बन गया, यहाँ पे जो 7 है वो दूसरी साइड लेके आ गए तो वो −7 बन गया, ठीक है। तो अब हमारी स्टेटमेंट ये हो गई है, तो a1 हमारा कितना है 3, a2 है हमारा 2, b1 है +2, b2 है −3, c1 है हमारा −5 और c2 है −7। अब कंपेयर कर रहे हैं इसे, तो हमने देखा कि जो a1 a2 है वो b1 b2 के इक्वल नहीं है, तो जब बच्चों इक्वल नहीं होता तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि वो एक इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही होती है लाइन आपस में एक पॉइंट पर, ठीक है। तो इस तरीके के जो आंसर्स होते हैं वो किस मतलब कह सकते हो, जो इस तरीके के इक्वेशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक 52 कार्ड्स का जो है वो अच्छे तरीके से शफल किया हुआ जो है वो मतलब कि डेक है, और उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक स्पेड आने के कितने चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी बच्चों देखो, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 52 कार्ड से, तो 52 हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि जो हम चाहते हैं, और कितने में से यानी कि कितना आउटकम है उसका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कितने होते हैं कार्ड्स में, 13 होते हैं, ठीक है। तो 13/52 हो गया, तो इसको जब डिवाइड करोगे आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, जब मैंने इसको यहाँ पे कटिंग किया है तो डिवाइड करने पर 1/4 आ गया, और इसको भी डिवाइड कर दिया तो 0.25 आ गया, ठीक है। दूसरा बोला गया है जैक ऑफ हार्ट्स, तो जैक ऑफ हार्ट्स जो होता है वो कितने होते हैं, वो एक ही कार्ड होता है, 1/52 आ गया, तो इसको सॉल्व किया तो हमने 0.019 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है एक बैग में, बॉल को रेंडमली निकाला गया तो क्या चांसेस है बॉल के रेड आने के, और क्या चांसेस है बॉल जो है वो रेड नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो टोटल बॉल्स हमने काउंट कर लिया, तो टोटल बॉल्स जो है वो हमारे 8 आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है रेड बॉल के निकालने की, तो वो क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हमारे 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 8, तो ये 3/8 जो है वो रेड बॉल आने के चांसेस है, या कह सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा जो है वो ब्लैक बॉल हमने लिख दिया है, क्योंकि दूसरा तो कोई और कलर है नहीं, ठीक है। बट आप यहाँ पर नॉट रेड भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने बोला क्वेश्चन में जो है वो आपको नॉट रेड गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नॉट रेड लिख देना,
यहाँ पर भी आप नॉट रेड लिख देना और इधर भी नॉट रेड लिख देना। तो क्या मतलब कि 3 रेड बॉल थे, बाकी तो 5 ब्लैक बॉल्स थे, तो 5/8 जो है वो क्या जाएगा, जो कि बॉल जो है वो रेड नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट सी पर। इसमें आपको जो है वो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2=0। दो तरीके से करने वाले हैं इसे, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से इसको करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है वो क्या किया, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको एक स्टार्टिंग में भी बताया था, 3x² और इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 6x² को स्प्लिट इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो वो 6x² बने और माइनस या प्लस करने पर वो -2√6x बन जाए, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, मेरा √6x ले सकती हूँ मैं, ठीक है, प्लस करूंगी तो वो 6x² बन जाएगा। माइनस का ले लेते हैं क्योंकि माइनस का साइन चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो मेरे जो है वो मुझे फैक्टर्स पता चल गए, तो मैंने यहाँ पे -√6x - √6x + 2 ले लिया। अब पहले वाले में से जो है वो कॉमन निकाल लिया, √3 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया, √3x - √2। यहाँ से दूसरे वाले नंबर में √2 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया, √3x - √2। अब बच्चों देखो ये दोनों सेम आ रहा है, यहाँ से सही जा रहा है हमारा। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया और ये जो बाहर नंबर बच गए वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, = 0। अब √3x - √2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -√2 उधर जाएगा तो ये प्लस का √2 हो जाएगा, x = √2। √3 जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे दो रूट अलग अलग लिखने के बजाय मैंने जो है वो क्या कर दिया, इकट्ठा जो है वो 2/3 लिख दिया रूट के अंदर, ठीक है। तो दोनों जो है वो इक्वेशन सेम थी, तो कह सकते हैं कि दोनों जीरो जो है उसका आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है आपका जिसमें हमने जो है वो डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, वो कैसे, d = b² - 4ac होता है। तो b क्या है हमारा, -2√6, ठीक है, तो वो लिख दिया उसका स्क्वायर, -4, a है हमारा 3 और c है हमारा 2, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 24, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब x जो है वो निकाल रहे हैं, तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b + √d/2a। तो √d जो है वो तो 0 है, तो यहाँ ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो -2√6 यहाँ पे इसको हटा देते हैं, 2 × 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 2√6/6, ठीक है। अब दो जीरो निकलते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी, ठीक है, 2 × 2 = 2, 3 × 6, यहाँ पे 3 आ गया, और इसकी जो है वो हमने और कटिंग कर दी तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ गया ये 1/3, ठीक है, 1/3√6 आ गया। अब इसको √6 को मैं √3 × 2 लिख सकती हूँ और 3 को √3 × √3 लिख सकती हूँ, = यहाँ से एक √3 से एक √3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, √2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको बोला गया है कि इस इक्वेशन की आपने रूट फाइंड आउट करनी है, तो सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो 2x² को 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 × 2 = 6, 6x² को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर जो है वो 7x बन जाए माइनस का। तो 6x ले सकती हूँ और यहाँ पे जो है वो एक सिंगल x ले सकती हूँ और दोनों ही माइनस के होंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने पर जो है वो मेरा प्लस का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और जब मैं प्लस करूंगी दोनों को तो वो -7x आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो मैंने क्या किया, ये वाले स्टेप पे आ गए हम, इसके बाद इसमें से कॉमन निकाल दिया, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, x - 3, और इस वाले में से क्या कॉमन निकला, -1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था, तो x - 3 निकाल दिया = 0। अब ये वाला 2x - 1 इकट्ठा लिख दिया और x - 3 जो है वो एक साथ लिख दिया, = 0। 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2, तो पहला जो है वो 0 हमें पता चल गया, दूसरा है x - 3 = 0 - 3, तो जब हम दूसरी साइड लेके गए तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x जो है वो 3 आ गया, ठीक है। तो x की जो मतलब या कह सकते हो जो दो जीरोस हमने फाइंड आउट किए हैं वो है 1/2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने जो है वो इनका टोटल फाइंड आउट करना है, पहला टर्म -5 है और जो लास्ट टर्म है हमारा -230 है, ठीक है। तो -5 लास्ट टर्म हमारा -230 है, डिफरेंस हमने निकाल लिया, वो कैसे निकालते हैं, a2 - a1। तो जब हमने इसको माइनस किया तो -8 - -5 - क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो -8 + 5 जो है वो क्या बन जाएगा, -3।
तो ए एन, सबसे पहले हम एन टर्म को फाइंड आउट, यानी कि जो एन है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें पता है -230 है, ए माइनस फाइव है, एन माइनस वन ऐसी रहने दिया है, डिफरेंस जो है वो -3 है। ठीक है, तो 230 में से ये जो -3 है, ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों 230 है, उसमें से ये जो -5 है ये हम उधर ले गए दूसरी साइड, तो माइनस कर दिया, तो ये कितना बन गया -225। और ये जो -3 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस का साइन कट गया, तो इसकी जब हमने कटिंग की तो 75 जो है वो n माइनस वन आ गया। ये जो -1 है ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n जो है वो हमारा 76 आ गया। ठीक है, तो एस एन जो है वो फॉर्मूला क्या है, n अपॉन टू ए, ए प्लस में ए एन, एन अपॉन टू जो है वो हमारा क्या है 76, n है हमारा, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ए है हमारा -5 प्लस -230। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये भी माइनस है, तो -230 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -235, और इसकी कटिंग कर दी तो 38 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया -8930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या इस वाले क्वेश्चन को करो। इसमें आपको बोला गया है कि 3 डिजिट नंबर जो है वो ऐसे आपने बताने हैं कि कितने 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105, और जो लास्ट डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है वो है 994। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख लेना कैसे करते हैं बच्चों। ये देखो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना है, 999, 999 को 7 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा ना तो उसको आपने जो है वो इससे 999 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो 994 आ गया, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना, क्योंकि 7 का डिविजिबल है तो 7 का होगा, तो हमने जो है वो अपना एपी बना लिया 105 112, और लास्ट टर्म जो है हमारा 994 है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो एन टर्म जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, लास्ट टर्म हमारी 994 है, इज इक्वल टू ए हमारा 105 है, एन माइनस वन डी जो है वो 7 है। ठीक है, इस 105 को उधर ले गए तो माइनस कर दिया तो आ गया 889, और 7n और 7 वन 7। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने ये जो -7 है इसको जो है वो उस साइड लेके गए, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 896 आ जाए, ये प्लस हो जाएगा, -7 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 896। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 896 को जो हमने 7 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 128 आ गया। ठीक है, तो हमारा एन जो है वो पता चल गया, तो हमें हम कह सकते हैं कि टोटल 128 ऐसे जो है वो नंबर है 3 डिजिट के जो कि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपसे बोला गया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर्स है जिनको कि जिनके की स्क्वेयर्स का सम जो है वो 290 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म हमने लिया है वो है x, और दूसरा जो टर्म लिया है वो लिया है हमने x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है कि आपने जो है वो एक एक्स, दूसरा हमने एक्स प्लस टू लिया, क्योंकि अगर मैं एक्स में 1 प्लस कर दूंगी तो वो तो इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 प्लस किया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का स्क्वायर जो है वो 290 के इक्वल है, एक्स का स्क्वायर लिख दिया। अब ये क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 ए कितना है हमारा एक्स, और बी कितना है 2, मल्टीप्लाई करने पर 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 290। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x ये वाला आ गया। ठीक है, 290 में से 4 जो है वो माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 286। 2 कॉमन निकाल दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, दूसरी साइड गया तो 2 जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हमने इसको स्प्लिटिंग मेथड से जो है वो किया। ठीक है, तो इसमें जो है 143x स्क्वायर, इसके 143x स्क्वायर को इस तरीके से स्प्लिट किया कि 2x आ जाए, तो 13x बन गया, दूसरा हमारा 11x बन गया। ठीक है, प्लस का चाहिए था तो 13x के आगे मैंने प्लस का साइन डाला। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x, यहाँ पे बच गया x प्लस 13। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, -11, अंदर बच गया x प्लस 13। अब बच्चों ये दोनों सेम आ गया। ठीक है, इसको एक साथ लिख दिया और x माइनस 11 जो है वो दूसरी साइड लिख दिया। अब x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स जब माइनस 11 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 11, तो ये बन गया, और ये जो प्लस 13 जब दूसरी साइड जाएगा तो वो बन जाएगा -13। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो -13 तो हो नहीं सकता, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 2 जो है
पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स वो हो गया एक 11 और दूसरा है 13, ठीक है, और ये 13 जो है वो प्लस का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 जो है मल्टीपल्स 8 के उनका सम जो है वो कितना होगा। तो हमने 8 का जो है वो टेबल लिख लेना है 15 तक। फर्स्ट टर्म हमारे हमें पता है, डिफरेंस भी हमारा 8 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करोगे SN इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो n अपॉन टू 15 अपॉन टू बन जाएगा, 2a, a हमारा 8 है, n माइनस 1 15 माइनस 1 और 8, ठीक है। इसके बाद जो है 8 टू 16 हो जाएगा, 15 में से 1 गया 14 हो जाएगा और यहाँ पे 8 आ गया, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 112 आ गया, 16 जब इन दोनों को आपने प्लस कर दिया तो 128 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 128 की कटिंग कर दी तो 64 आ गया, 15 को 64 से मल्टीप्लाई करने पर 960 आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो 960 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 28 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, कितना टर्म्स यानी कि कितने नंबर्स लिए जाए इस तरीके से एपी के कि उनका टोटल जो है वो 78 आ जाए, ठीक है। ए हमें पता है, डिफरेंस हमने माइनस करके 21 में से 24 माइनस कर दिया तो माइनस 3 आ जाएगा, सम हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो वैल्यू पुट कर दी, एस एन जो है वो 78 है, एन अपॉन टू 2a हमारा जो है 2 और a हमारा 24 है, मल्टीप्लाई करने पर 48 आ गया, प्लस n माइनस 1, तो n जो है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, n माइनस 1 लिखा, d जो है वो माइनस 3 है तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब 48 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, 48 में 3 प्लस कर दिया तो 51 बन गया, ठीक है। इसके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, n को 51 से किया तो 51n हो गया, माइनस n को 3n से किया तो 3n स्क्वायर आ गया, ठीक है, और 2 को जब 1 से किया तो 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 78 को 2 से किया तो 156 आ गया, 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब इन सभी नंबर को हम दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही मेरा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो मैं वो करना नहीं चाह रही, तो मैं ये सारे नंबर जो है वो इस साइड लेके आ रही हूँ, तो ये प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब इसको अगेन उसी तरीके से इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता, निकालने के बाद जो बच गया हमारा वो है एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस में 52। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू ही आपने करना है, स्प्लिटिंग मेथड में काफी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं हर बार उसको नहीं जो है एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर जो है वो हमने किया तो ये माइनस 13n आ गया और ये माइनस 4n आ गया, ठीक है। तो इस टर्म में से हमने कॉमन निकाल दिया, n आ गया कॉमन, अंदर बच गया n माइनस 13, और इस टर्म में से कॉमन निकाला तो माइनस 4 कॉमन निकल गया, n माइनस 13, ये दोनों सेम आ गए, ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, बाहर के जो दो नंबर है उनको इकट्ठे ब्रैकेट में लिख दिया, तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 उधर गया तो क्या बन गया 4, और दूसरा जो है वो माइनस 13 उधर गया तो बन गया 13। तो हमारे पास जो दो टर्म है दोनों ही ठीक है, ठीक है, चाहे अगर हम चार नंबर लेंगे मतलब इस एपी का तो भी 78 बन जाएगा, 13 नंबर लेंगे तो भी जो है वो 78 बन जाएगा, दोनों ही आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैचिंग। मैचिंग में बोला है कि आपको nth टर्म ऑफ एपी, उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, तो उसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, कॉमन डिफरेंस क्या है ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, ठीक है। फिफ्थ टर्म ऑफ एपी क्या है, वो है आपका ए प्लस 4 डी। आपने या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। अब हम आ जाते हैं पार्ट डी पर, इसमें जो है वो दो क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है, इंटरनल चॉइसेस है दोनों क्वेश्चन में, और इसके हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है। पहला जो है वो थ्योरम जो है वो गिवन है आपको, ठीक है, ये आपके चैप्टर 6 से जो है वो थ्योरम है, प्रूव दैट इन राइट ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है आपकी, तो जिसमें कि आपने जो है वो प्रूफ करना है कि एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों, एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ किया, उसमें जो है वो ये हमने जो है वो बी डी जो है वो परपेंडिकुलर बना दिया एसी पर, ठीक है। अब हमने प्रूफ करना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी में, यानी कि एक कंप्लीट ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बीच में, ठीक है, तो इनको सिमिलर प्रूफ करना है हमने। तो एंगल ए बी सी यानी कि जो एंगल बी है, ठीक है, एक हमारा ये वाला एंगल, ठीक है, और एक ये वाला, ये जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल है,
ठीक है, तो ईच 90 डिग्री, एंगल ए एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया, तो दो चीजें जब हो जाती है तो वो सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी डी के। अब प्रपोर्शन, अब जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं बच्चों उनके साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ए सी अपॉन में ए बी लिया है हमने, और दूसरा जो है हमने ए बी अपॉन में ए डी लिया है। ठीक है, वो करने के बाद हमने क्या किया, ये देखो दोनों जो है वो ए बी आ रहा है, दोनों को इसको उधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी कम्प्लीट ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, इसमें भी आपको जो मतलब यहाँ पे एंगल दिया है बी एंगल, ठीक है, एंगल ए बी सी कम्प्लीट यानी कि ये वाला एंगल और एंगल बी डी सी ये वाला एंगल, पहले वाले हमने ये वाला लिया था अब ये वाला लिया है, तो ये 90 डिग्री का है, एंगल सी जो है वो कॉमन है यानी कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है एंगल एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, तो अब अगेन हमने जो है वो बी सी लिया है, बी सी के साथ डी सी लिया है, और इसमें जो है वो हमने किसका बी सी के साथ जो है वो ए सी लिया है। ठीक है, इनको जो है अब बीसी को बीसी से मल्टीप्लाई करने पर बीसी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे बच्चे ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, बीसी अपॉन एसी होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर बीसी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे डीसी मल्टीप्लाई एसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एड करने पर हमारा क्या बना, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, तो इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, कॉमन निकल गया ए सी, अंदर क्या बच गया ए डी प्लस डी सी। ठीक है, ए सी ए डी प्लस डी सी जो है वो क्या था, ए डी प्लस डी सी जो है वो बनता है ए डी प्लस डी सी, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वो ए सी के इक्वल बनता है, यानी कि ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए सी का स्क्वेयर बन गया, और ये जो है वो ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर हो गया, तो ये थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गई है। ठीक है, इसमें डायग्राम आप जरूर बनाना। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो आपको दी गई है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये थेल्स थ्योरम दी गई है। ठीक है, इसमें जो है वो आपको एक ट्राइंगल जो है वो गिवन है, और उसमें आपको बोला गया है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, और जो डी पॉइंट है वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो ई पॉइंट है वो ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने प्रूफ करना है कि ए डी जो है वो डी बी का प्रपोर्शन, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए अपॉन ई सी के इक्वल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो है वो कंस्ट्रक्शन की है, बी ई को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, बी ई को ज्वाइन कर दिया, सी डी को ज्वाइन कर दिया, ई एफ जो है वो हमने परपेंडिकुलर बनाया है ए डी पर, या कह सकते हो ए बी पर, और डी सी जो है वो परपेंडिकुलर, सॉरी डी ई जो है वो परपेंडिकुलर बनाया है हमने ए सी पर। ठीक है, डी जी। अब हमने, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने ट्राइंगल लिया सबसे पहले ए डी और ई, यानी ये वाला जो कंप्लीट ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने बी डी और ई, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हाफ इंटू बेस, बेस जो है वो क्या है, हमने यहां से लिया है बेस इसका ए डी, ठीक है, और यहां से लिया है इसका जो बेस होगा वो क्या है डी बी। हाइट जो है वो दोनों की सेम ही रहेगी, ठीक है, ई एफ जो है वो हाइट है, तो ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया ए डी अपॉन डी बी। ये कटिंग नहीं होगा, गलती से कट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरीके से हमने ट्राइंगल कंप्लीट लिया ए डी ई और डी ई सी, ठीक है, डी ई सी ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें क्या है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेना है, अगेन हाफ लिया इंटू बेस क्या है इसका ए ई, और इसका बेस क्या है ई सी, और जो हाइट है वो क्या है हमारे पास जी डी। ठीक है, तो जी डी से जी डी कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बन गई। अब क्योंकि जो ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि सेम पैरेलल लाइंस में जो है वो लाई करते हैं, सेम बेसिस पर लाई करते हैं, वो इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, वो भी इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमें क्या पता चलता है कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के जो है वो इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमने एरिया जो है वो देख लिया कि दोनों जो है वो इक्वल है, तो ए डी अपॉन डी बी जो है वो ई अपॉन ई सी के इक्वल है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, वेट चार्ट है ये 30 स्टूडेंट्स का, तो उसमें हमने मीडियन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल जो है वो लिख दिया जो कि गिवन है हमें, इसके बाद हमने जो है फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों क्या करते हैं, ये 2 आ गया, 2 में 3 को प्लस किया तो 5 आ गया, 5 में 8 प्लस किया 13 हो गया, 13 में 6 प्लस किया 19 हो गया, 19 में 6 प्लस किया 25, 25 में 3 प्लस किया 28, 28 में 2 प्लस किया 30, तो n जो है वो टोटल 30 हो गया, n अपॉन 2 जो है वो 30 अपॉन 2 यानी कि 15 हो गया। मीडियन क्लास जो है वो हमने लिया है 55/60 क्योंकि ये सेंटर में है, ठीक है। एच जो वो हमारा 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। इसके बाद एल लोवेस्ट टर्म जो है वो 55 है, ठीक है। इसके अलावा जो सी एफ है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी वो इसकी जो है वो 50 से 55 लिया था वो 13 है, ठीक है। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो हमने जो है वो एक इसके नीचे वाली लेनी है, यानी कि वो हमारा जो है वो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। उसका मीडियन निकाला, मीडियन का फॉर्मूला जो है वो ये गिवन है हमें। मीडियन निकालने के लिए हमने जो है वो एल जो है वो 55 लिख दिया प्लस एन अपॉन 2 जो है वो हमारा कितना था 15 था माइनस सी एफ जो है वो कितना है 13 है, 6 लिखा यहाँ पर, ठीक है, और उसको जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करने पर 15 माइनस 13 जो है वो 2/6 हो गया, मल्टीप्लाई 5, 5 टू सर 10, 10 अपॉन 6 आ गया, ये 55 है इज इक्वल टू 56.66 जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको बोला है 25 हाउसहोल्ड के डेली का जो है वो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, ठीक है, एक लोकेलिटी में, तो वो गिवन है हमें। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मिड पॉइंट जो है वो हमने निकाला, ठीक है। मिड पॉइंट होता है एक्स आई जो कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड करने पर निकलता है। अज्यूम्ड मीन जो है वो हमें जो है जो आप कह सकते हो जो ए है हमारा वो 225 है और क्लास साइज जो है वो इसका कैसे 50 है, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन जो है वो निकलेगा, आप कोई भी टर्म ले सकते हो, मैंने ये वाला टर्म लिया है, ठीक है। तो 200 प्लस 250 कितना हो गया 450, 450 को आपने जो है वो 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 450 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 2 2s 4, ठीक है, और 2 2s 4 और लास्ट में आ जाएगा 5, ठीक है, 2 5s 10, तो 225 आ गया। क्लास साइज जो है 50 है, 150 200 के बीच में, इन सब में 50-50 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सी आई जो है वो लिख दिया हमने, नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो है इसका डेटा उतार दिया, मिड पॉइंट निकाल दिया सबका ही, सबको प्लस किया आपस में और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 100-150 के बीच का डिफरेंस जो है वो 125 है, मिड पॉइंट जो है इसका 175 है, 225 है, ठीक है, इसी तरीके से 275 और 325। नेक्स्ट हम जो है वो डी आई निकाल रहे हैं, वो निकालते हैं एक्स, मतलब जो आप कह सकते हो जो मिड पॉइंट है हमारा उसमें से ए माइनस करके, अज्यूम्ड मीन तो हमें पता है, ठीक है। अब जो 125 में से हमने 225 माइनस किया, ठीक है, तो 100 आ गया। इसी तरीके से सब में से जो है वो 225 माइनस कर दो तो ये नंबर आ जाएगा आपका। इसके बाद हमने यू आई निकाला, यू आई क्या होता है, जो भी हमारा डी आई है उसको जो है हमने आप कह सकते हो एच से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो एच हमारा कितना है 50 है, तो हमने जो है इस नंबर को जो है वो 50 से डिवाइड कर लिया, तो हमारा आंसर जो है वो ये आ गया। एफ आई और यू आई दोनों को जो है हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 2s 8, 5 माइनस 1 5 हो जाएगा, 12 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, ये करके इसका टोटल कर दिया हमने -7 और इसका टोटल किया तो आ गया 25। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बार x इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना है हमारा -7 वो लिख दिया हमने, ठीक है, अपॉन में जो है सिग्मा एफ आई वो लिख दिया 25, एच जो है वो हमारा 50 है प्लस में 225 जो कि हमारा एज्यूम्ड मीन है, ठीक है, वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया -14, 225 में से -14 गया तो 211 जो है वो आंसर आ गया। आई होप ये सारा वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।